क्लियर हूँ अभी। अमित आ जाइए, कैसे हैं आप? मैं क्लियर हूँ। दीपिका, गोविंद, हेलो अमित, कैसे हैं आप? गुड्डे गुड्डे गुड्डे, आ जाइए, कैसे हैं आप सब? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं भी ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अभी मे भी नोटिफिकेशन चली जाएगी तो और भी आ जाएगी। कैसे हैं अतुल आप? अभी जल्दी इसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी तो और भी लोग आ जाएंगे। कैसे हैं सुन? मयूर आ जाइए। अजित आ जाइए। कैसे हैं अजित? अजित, मैंने आपको मैसेज किया, आपने देखा? रिप्लाई आपका। चले, हाँ जी हाँ जी, मयूर आ जाइए। हाँ चलिए, सारे लोग आके तो इब्राहिम आ जाइए। कैसे हैं आप सब? सारे अच्छे हैं? मैराथन का सेशन आपका 29th को है। अच्छा क्वेश्चन है, 29th को रात 10 बजे आपका मैराथन का सेशन है। आज एक और स्पेशल क्लास है जो कि रात को 10 बजे होगी, स्टैटिक जीके की। मैराथन का सेशन आपका जो होगा वो होगा आपका 29th को रात 10 बजे। अच्छा, आपका मैसेज, आपका भी मैसेज आई थिंक मैंने पढ़ा होगा, रिप्लाई भी किया होगा अगर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रहा होगा तो। मैंने शायद रिप्लाई भी किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो मैं कर देता हूँ आज। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेज पढ़े थे। सेशन में क्या रहेगा? सेशन में सारी चीजें रहेंगी जो आप पढ़ते हैं। और चलिए, अब नोटिफिकेशन फाइनली चली गई है, अब और भी लोग आएंगे तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मोहन सिंह आ जाइए, लोहिया। किरण कुमार आ जाइए। आपके 50 क्वेश्चन, आपके टॉप में आऊंगा और मैं भी आपसे। आप बिल्कुल तेज, आप जरूर मुझसे मिलने आएंगे सर, प्लीज। मैं रात में ना रखो, सो जाते जब तक। टेन एक्चुअली एक स्लॉट होते हैं, उसी स्लॉट पे रखना पड़ता है। पलक कैसी हैं आप? पूजा कैसी हैं आप? चलिए, पलक, पूजा, पूजा, बहुत सारी पूजा आ गई। शंकर कैसे हैं आप? सुब्रत महंती। अच्छा, नोटिफिकेशन अब आया, नोटिफिकेशन तो चलिए, नोटिफिकेशन है। गुड गुड आफ्टरनून पलक, कैसे हैं? आपको मिला कि नहीं वो पार्क? हर्ष, सुदीप्ता, सो कॉमन नेम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग आ गए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साथ ही साथ। अच्छा नहीं मिला, कोई नहीं, ढूंढ लिया जाएगा। और जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं आ जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं एडिशनल डिटेल्स भी पूछूंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है कौन सा शहर, जो दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बन गया है? आ जाइए, वेरी गुड, मुंबई, बहुत सही। और भी, ये नया कोर्स नहीं है, स्पेशल क्लास है सुदीप्ता, ये स्पेशल क्लास है। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस में। हाँ, सुदीप्ता आ जाइए। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आ जाइए। अमित आ जाइए, शंकर। अच्छा, मोस्टली लोगों का कहना है ए, मोस्टली लोगों का कहना है बैंगलोर, कई लोगों का संगाई भी कहना है, मुंबई भी कहना है, और मनाली भी, मनाली किसी का नहीं कहना है। प्रणाम आ जाइए। मनीष कैसे आप? काफी दिनों बाद देख रहा हूँ आपको। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंगलोर। ठीक है, दुनिया का सबसे खराब वाला खराब ट्रैफिक वाला शहर कौन सा बन गया? तो वो बन गया आपका बैंगलोर, ध्यान रखिएगा। बैंगलोर से वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि एक क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो बैंगलोर को क्या कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है किसको? बैंगलोर को। और बैंगलोर में पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम, भारत का पहला करेंसी एटीएम कहाँ खोला गया? तो पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम जो खोला गया था वो भी आपका बैंगलोर में ही खोला गया था। और हाँ, सैमसंग ने अपने सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर जो खोला है, यानी अनुभव केंद्र जो खोला है, एक्सपीरियंस सेंटर, वो कहाँ खोला गया है? तो वो भी आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस सेंटर, तो वो भी आपका बैंगलोर में। शशांक, यूपी में जो उन्होंने खोला है मॉडर्न, है ना, वो सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर अगर पूछा जाएगा, अनुभव केंद्र कहाँ खोला है, तो वो खोला है बैंगलोर में। क्लियर? बैंगलोर में उन्होंने सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर खोला है, जबकि यूपी में उन्होंने क्या खोला है? तो यूपी के नोएडा में सैमसंग ने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली है। उसी तरह अभी अमेजोन ने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली है। कहाँ पे खोली है अमेजोन की सबसे बड़ी ऑफिस? अमेजोन की सबसे बड़ी ऑफिस कहाँ बनी है बताइए? वेरी गुड श्रीकांत, बहुत सही। कहाँ पे?
तो वो हो जाएगा आपका हैदराबाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा अभी इवांका ट्रंप आई थी ना इंडिया, इवांका ट्रंप की मैंने किताब बताई थी, किसको याद है, इवांका ट्रंप की मैंने किताब बताई थी, किसको याद है बताइए। हाँ जी मिल जाएगी पूजा, डोंट वरी। इवांका ट्रंप की मैंने किताब बताई थी, कौन सी थी, वेरी गुड, वुमेन हु वर्क्स, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए, ठीक है, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए, वुमेन हु वर्क्स किसकी किताब है, तो ये है इवांका ट्रंप की किताब, ठीक है, वुमेन हु वर्क्स किसकी किताब है, तो ये हो जाएगी इवांका ट्रंप की किताब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं, इवांका ट्रंप उनकी बेटी है, ट्रंप की, उनकी वाइफ का नाम मिलिनिया ट्रंप है, ठीक है, और इवांका ट्रंप उनकी बेटी, उनकी किताब का नाम है वुमेन हु वर्क्स, और डोनाल्ड ट्रंप की किताब का भी मैंने नाम बताया था आपका, हाउ टू गेट रिच, क्या बताया था, हाउ टू गेट रिच, कैसे बने अमीर, ठीक है, ये टुडे, हाँ, ऑन 11 PM देयर विल बी अ यूट्यूब क्लास ऑन यूट्यूब, ठीक है, चलिए। हाँ हाउ टू गेट रिच जो है वो हो जाएगी आपकी डोनाल्ड ट्रंप की किताब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, और इवांका ट्रंप की किताब जो है वो हो जाएगी वुमेन हु वर्क्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है कैंपे गौड़ा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बोल रहा हूँ, तो कैंपे गौड़ा जो एयरपोर्ट है ना, वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एकमात्र फेस आईडी, ध्यान रखिएगा, फेस आईडी चेक करने वाला, यानी फेस के थ्रू आपका बोर्डिंग कराने वाला, एकमात्र पहला जो है आपका वो एयरपोर्ट बना, ठीक है, पहला एयरपोर्ट जो फेस आईडी, यानी आपको किसी भी तरीके का जो है कि आधार कार्ड या ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिक फेस को रिकॉग्नाइज करके आपकी बोर्डिंग कर देगा और बता देगा कि आपका क्या है, डिटेलिंग वो आपका बता देगा। आ जाइए नेहा, आ जाइए प्रीत, आ जाइए, तो ये भी करने वाला कौन है, तो ये भी बैंगलोर करने वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले, कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है जो आपको बताना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूंगा। हाल ही में सूरजकुंड, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया, रिसेंटली आपका जो है सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन कहाँ किया गया, रिसेंटली सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर वॉज कॉल्ड या फिर वॉज ऑर्गेनाइज वेयर, वाराणसी, वेरी गुड, बीएस येदुरप्पा तो सीएम है वहां के, येदुरप्पा तो गलत हो जाएगा, बीएस येदुरप्पा सीएम वहां के, सीएम हो जाएंगे, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का कहना है सर वाराणसी होगा, बिल्कुल, सागर, अतुल, रिजवान, अमित, शिवम, संजीव, हाँ जी बताइए शशांक, ठीक है, हाँ जी, कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे बीएल पुरोहित, कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे बीएल पुरोहित, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बीएल पुरोहित कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके कर्नाटका के जो है कि राज्यपाल, ठीक है, और वहां के सीएम अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे बीएस येदुरप्पा। अब एक क्वेश्चन मुझे और बता दीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है आपका, कि इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पे भारत में कौन रहा है, इनोवेशन इंडेक्स में नवाचार सूचकांक में पहले स्थान में भारत पे कौन रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फरीदाबाद, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फरीदाबाद। सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका फरीदाबाद में। चले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पूछ लेता हूँ आपसे जो कि इम्पोर्टेंट है, तवांग फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं, तवांग फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं, तवांग मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है बताइए, तवांग फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं, सर सर क्या हुआ कि आज सत्यम सर की क्लास हुआ, उनका ऑप्शन गलत था, मैंने कहा बकवास क्वेश्चन ब्लॉक कर दिया, अच्छा, कोई नहीं, क्या नाम था आपका, मैं कोशिश करूंगा, स्पेशल क्लासेस शशांक, वैसे ऐसे चलिए, हाँ मैं मानता हूँ, चले, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, वो उनका इशू रहा होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको ब्लॉक नहीं करूंगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, चले कोई नहीं, आप जानते हैं कुछ, अब मैं क्या बोलूँ इस चीज का, मैं क्या आंसर दूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डिग्निटी आपको बोल देना चाहिए था, सर ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है, ये बकवास, मतलब नहीं सही लगा होगा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि सबका टेम्परामेंट अलग अलग होता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर फरीदाबाद बताया, तो और भी किसी ने कुछ पूछा क्या, और मैं आपसे पूछ रहा था तवांग फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तवांग फेस्टिवल बताइए, सब मैं बताऊंगा, अच्छा, शशांक कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड, लोसांग फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लोसांग फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं, लोसांग, वेरी गुड आयुष, लोसांग फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं,
कभी कभी हो जाता है अमित, कभी कभी सबसे गलतियां हो जाती है, चले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे से मतलब आप उनसे बोलिए कि सर मतलब ये गलत क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि सर ये गलत क्वेश्चन है लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर आप चेक कर लीजिए, आप ऐसे बोल दिया करिए, ठीक है। हो सकता है उस टाइम सबका मूड नहीं सही रहता ना, सबका है, तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप अनब्लॉक हो जाएं और आप सबकी क्लासेस ज्वाइन कर सके, ठीक है। ये कभी कभी हो जाती है, सबसे गलतियां होती है, तो इतना माइंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, लोसांग फेस्टिवल कौन मनाता है? तो वो मनाता है सिक्किम, ठीक है। रण फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? रण फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं? गुजरात, वेरी गुड। मड़ई, मड़ई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मड़ई फेस्टिवल, मड़ई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जितेंद्र आ जाइए, कहाँ पे? छत्तीसगढ़, वेरी गुड। गुड़ी पर्व हम कहाँ मनाते हैं? गुड़ी पाड़वा, बताइए। महाराष्ट्र, बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? मोस्टली मतलब बहुत सारे फेस्टिवल तो हर जगह मनाए जाते हैं, मोस्टली, लेकिन फेमस कहाँ के लिए, ठीक है, ये मेरा पूछने का मतलब है। पंजाब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। युगादि फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? युगादि, युगादि फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? कहाँ पे? गुजरात, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोनालू फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? बोनालू, बोनालू फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तेलंगाना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तेलंगाना में सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल। और हम हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर करिए, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं। नागालैंड, अभी कुछ दिनों के लिए त्रिपुरा में भी मनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नागालैंड नहीं ऑप्शन में आएगा आपको, तो त्रिपुरा भी आ सकता है। अगर नागालैंड ऑप्शन में ना आए तो आप, आपको त्रिपुरा भी रहेगा, तो आप त्रिपुरा सही कर सकते हैं। बोनालू हो जाएगा आपका तेलंगाना, ठीक है। बोलंगानू आपका तेलाना, तेलंगाना हो जाएगा। और आपका बिहुला कहाँ मनाया जाता है? बिहुला फेस्टिवल, रण आपका उड़ीसा हो जाएगा। रण जो फेस्टिवल मैंने बताया ना वो उड़ीसा हो जाएगा, सॉरी, रण जो मैंने आपको बताया ना वो गुजरात हो जाएगा, रण, ठीक है। रथ यात्रा मैंने नहीं बोली है, रण बोला है, ठीक है, वो आपका जो है गुजरात हो जाएगा, हाँ जी। और बिहुला कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका बिहार में। हाथी फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? हाथी फेस्टिवल लास्ट वाला रिपीट प्लीज, नागालैंड। अच्छा सुदीप्ता, मैंने बोला हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड एज वेल त्रिपुरा आल्सो, ठीक है। आपका नागालैंड में भी मनाया जाता है और त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, ठीक है, ये मैंने बोला। तो अगर नागालैंड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप त्रिपुरा के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी, बिल्कुल सही आपका। 31 जनवरी गलत हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार हमने प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया और कौन सा एडिशन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज बजट प्रेजेंटेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ये आपको बताना है। पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, चलिए, वेरी गुड। मैंने लास्ट क्वेश्चन के आंसर जो पूछा था वो आंसर आप लोगों ने दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा हर्ष, बिल्कुल। जो सही आंसर हो जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका किसने, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कहाँ मनाया गया इस बार, तो वो हो गया आपका जयपुर। और कौन सा एडिशन था? कौन सा एडिशन था? 16वां, ठीक है, कौन सा एडिशन था? तो वो हो जाएगा आपका 16वां, हाँ जी। चलिए आंसर भी आने लगे, 16th संस्करण था, हाँ जी। लास्ट वो कहाँ मनाया गया था? वाराणसी में, 15वां संस्करण, जो कि 21 से 23 जनवरी के बीच मनाया था, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान जो है वो किसे मिला था? प्रवासी भारतीय सम्मान किसे मिला था लास्ट ईयर? प्रवासी भारतीय सम्मान लास्ट ईयर किसे मिला था? कौन बताएगा? ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, नहीं पता तो आप नो लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप नो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नहीं पता। अच्छा, राजेंद्र जोशी याद है सबको? याद आया? नहीं, प्रेसिडेंट को थोड़ी प्रवासी भारतीय दिवस मिला था। राजेंद्र जोशी याद आया आपको? मैंने पढ़ाया था आपको, हाँ जी, तो वो लिख लीजिएगा प्रवासी भारतीय सम्मान, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर प्लीज बता दो, दिलवाड़ा का डेरा, कौन सा दिलवाड़ा में, समझा नहीं जज मेजर, ठीक है।
पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस आपके वो आंसर कर दूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, 5,12,860 करोड़ जो है करोड़ रुपए का जो है बजट किसने पेश किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब यहाँ से मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि उत्तर प्रदेश के किस जो है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका लॉयन सफारी बनाई गई है, लॉयन सफारी किस आपका जो है कि डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है जो कि पूछा जाएगा, इटावा, इटावा, वेरी गुड। और जी डिजिटल चरखा कहाँ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का ही मैं पूछ रहा हूँ, डिजिटल चरखा कहाँ बनाया गया है, नोएडा। पहला हेल्थ एटीएम कहाँ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में पूछ रहा हूं मैं, पहला हेल्थ एटीएम कहाँ बनाया गया है, लखनऊ। पहला हेल्थ एटीएम कहाँ बनाया गया है, लखनऊ, हाँ जी। और पहली पोलिस यूनिवर्सिटी आपकी, पहली पोलिस यूनिवर्सिटी तो वो हो जाएगा नोएडा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जो है आपका पहला इनलैंड वाटरवे, पहला इनलैंड वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग तो वो कहाँ हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। हाँ जी, पहली ट्रांसजेंडर, ये सब उत्तर उत्तर प्रदेश की मैं पूछ रहा हूँ, पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ, कुशीनगर, वेरी गुड। पहला फ्रेट विलेज, पहला फ्रेट विलेज, पहला फ्रेट विलेज वाराणसी, पहला हाथियों का अस्पताल, हॉस्पिटल ऑफ एलिफेंट्स कहाँ बनाया गया, कहाँ पे, मथुरा में, वेरी गुड। करंट में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, करंट में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और सीएम यहाँ के कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। सीएम यहाँ के कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके योगी आदित्य डेरा। एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है जन मेजर, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा जो है कि सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, और उनका ओरिजिनल नाम आप सबको पता है, अजय सिंह बिष्ट, ठीक है, अजय सिंह बिष्ट उनका जो है ओरिजिनल नाम है, ये भी पूछा जाता है। और डेप्यूटी सीएम यहाँ पे दो है, एक दिनेश शर्मा जी है और एक है केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यूपी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार के वित्तीय वर्ष में, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा जल्द में जल्द, ठीक है। 5,12,860 करोड़ जो है 72 करोड़ रुपए का जो है वो क्या किया, तो इन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया है, किसने रॉड 2 का सफल परीक्षण किया है बताइए। सर आपके क्लास में अलग है, समझा नहीं मैं, क्या क्लास में अलग है। चलिए, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का सी कहना है, बहुत सारे लोगों का ए कहना है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का बी कहना है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का डी भी कहना है। चले, मैं कर दूंगा जज मेजर, यहाँ देख लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है फिलहाल, हाँ जज मेरा ये देख लीजिए, अच्छा ए और सी में, नहीं, बी सही था, अच्छा डाउट है आपको इस क्वेश्चन के ए और सी में, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, अच्छा तो आपने गलत कर दिया, अच्छा, मैं अभी देख लेता हूँ। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जो है आपका परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया है, ये ध्यान रखिएगा। और एक मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अपने पहले सैटेलाइट, पहला उपग्रह लॉन्च किया था, कौन सा किया था, कौन सा किया था बताइए, तो कौन सा किया था, गजनवी, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा किया था, गजनवी। आपको पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि गजनवी उपग्रह जो है वो किस देश ने लॉन्च किया, तो वो लॉन्च किया था आपका पाकिस्तान ने, ठीक है। उसके अलावा रावण करके एक सैटेलाइट लॉन्च किया था किस देश ने, रावण करके एक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया था, तो वो लॉन्च किया था श्रीलंका ने। और किसी ने लिखा सर शाहीन, तो शाहीन पाकिस्तान और चाइना के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, सही, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो है आपका, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और जो है आपका, और मैं क्या बता रहा था, श्रीलंका, तो बात श्रीलंका की आई, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए, रावण करके, रावण करके उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया था जो है कि श्रीलंका ने,
राष्ट्रपति हैं, पीएम कौन है श्रीलंका के, श्रीलंका के पीएम कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बताइए। कौन हो जाएंगे, अब्दुल हामिद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और पीएम कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे आपकी शेख हसीना। नेपाल का भी पता है आपको, केपी ओली वहां के पीएम हो जाएंगे, और विद्या देवी भंडारी वहां की जो है कि हो जाएंगे आपकी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केपी ओली वहां के पीएम हो जाएंगे और विद्या देवी भंडारी वहां की क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको। मिखाइल मुसस्तिन किस देश के जो है कि पीएम है, मिखाइल मुसस्तिन जो है वो किस देश के पीएम है, ये आपको कंफर्म पूछा जाएगा। हाँ जी, मिखाइल मुसस्तिन किस देश के पीएम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रशिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, रशिया। स्कॉट मॉरिसन किस देश के पीएम है, स्कॉट मॉरिसन किस देश के पीएम है, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, मार्क रूट किस देश के पीएम है, मार्क रूट बताइए, रशिया। ये भी हो जाएंगे, सब रशिया ही हो जाएंगे, भूल गया, नीदरलैंड। किसके हो जाएंगे, नीदरलैंड के। वेरी गुड, इना सोलबर्ग, इना सोलबर्ग किसके हो जाएंगे, इना सोलबर्ग किसके हो जाएंगे, नॉर्वे। सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम क्या है, सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम क्या है बताइए, कौन बताएगा, यहाँ पे बता रखा है मैंने, नहीं सोली तो नहीं सही होंगे, नहीं पर्सनल क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं पूछ सकते हैं कृष्णा जी, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा पर्सनल क्वेश्चन के लिए। ये जो है आपका, हाँ, माइकल फोर जो हो जाएंगे वो, सॉरी डैनी फोर जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो डैनी फोर हो जाएंगे आपके सेशल्स के राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल शुरू किया है बताइए, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, इराक, ईरान, सऊदी अरब या फिर अफगानिस्तान। आप मुझे अकेडमी के लर्निंग ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, मोहम्मद सद्दाम आ जाइए, मैं हर डे क्लास रखूं, पर डे क्लास रखूं। चलिए, मैं नेक्स्ट महीने से मैं कोशिश करूंगा पर डे क्लास रखूं। अच्छा गोविंद, दिन भर 24 घंटे क्लास, मैं यहीं पे क्लास ले लेके यहीं पे सोया करूंगा, यहीं पे जगा करूंगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ, 10 आवर का मैं रखूंगा, 2 आवर का क्यों, 10 आवर का मैं रखूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। अशरफ गनी ने अभी जो दूसरा कार्यकाल शुरू किया है वो शुरू किया है अफगानिस्तान में। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान ने, ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सॉरी, अफगानिस्तान ने कौन सा अवार्ड दिया हमारे प्रधानमंत्री को। मैं आपका जीके करंट अफेयर जीएस कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, सिर्फ लेकिन जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यान रखिए पढ़ा करिए, ठीक है, तब आपको ऑटोमेटिक। जायद मेडल गलत है, अभी देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था ना जंजमेरा कि जब मैं यहाँ पढ़ा करूं तो यहाँ पे ध्यान रखा करिए, नहीं तो गलत होगा। अरे कौन सा अवार्ड दिया, अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद अवार्ड थोड़ी है। चलिए तो मैं आपको बता दूं कौन सा अवार्ड, तो सऊदी अरब, अफगानिस्तान ने हमारे प्रधानमंत्री को कौन सा अवार्ड दिया है, तो वो दिया है आमिर अमानुल्लाह खान। ठीक है, आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड किसने दिया है, तो वो दिया है सऊदी जो है अफगानिस्तान ने, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री को। ठीक है, अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री को किंग ऑफ हमाद अवार्ड किसने दिया है, किंग ऑफ हमाद द रेनेसांस, किंग ऑफ हमाद रेनेसांस अवार्ड किसने दिया है, सारे प्लस के बच्चों को तो बता ही देना चाहिए। बहरीन ने, फिलिस्तीन गलत हो जाएगा विश्वजीत, किसने दिया है, तो वो दिया है बहरीन ने। ठीक है, हाँ जी, और किसी ने जो फिलिस्तीन लिख दिया है, कोई नहीं कोई नहीं विश्वजीत, तो फिलिस्तीन ने इनको ग्रैंड कॉलर अवार्ड दिया है, कौन सा अवार्ड दिया है, तो ग्रैंड कॉलर अवार्ड किसने दिया है, तो वो दिया है आपका फिलिस्तीन ने। ठीक है, रशिया ने कौन सा अवार्ड दिया हमारे प्रधानमंत्री को, रशिया ने कौन सा अवार्ड दिया हमारे प्रधानमंत्री को, अजीत सर, अजीत आ जाइए, कैसे आप, कौन सा, एंड्रू द अपोस्टल, कौन सा अवार्ड दिया है, तो एंड्रू द अपोस्टल अवार्ड दिया है।
ठीक है, एंड्रू द पोस्टल अवार्ड किसने दिया? रशिया ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसने दिया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसे दिया है हमारे प्रधानमंत्री को, किसने? तो वो दिया है आपका यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, संयुक्त संघ ने दिया है। सर जो भी अवार्ड्स आए मोदी के नाम दे दो। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ आपको, अभी मैं लिख दूंगा, फिलहाल आप मुझे बता दीजिए यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, कौन बता देगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्टैब्लिशमेंट बताइए, 1945। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का कब हुआ है, वर्ल्ड बैंक का कब हुआ है ये बता दीजिए, कब हुआ है लिख लीजिए जिनको नहीं पता है। 1944 कब हुआ है, 1944। बिल्कुल सही है आपका। यूनेस्को का कब हुआ है, यूनेस्को का कब हुआ है, यूनेस्को का कब हुआ है, 1946। वेरी गुड। तो आप कॉपी पे लिख लीजिए ना, आप टाइप मत करिए, यहाँ पे लिख लीजिए 1946। यूनिसेफ का कब हुआ है, यूनिसेफ का कब हुआ है एस्टेब्लिशमेंट? हाँ, ये भी कब हुआ है, तो ये भी सेम ईयर 1946। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आईएमएफ का कब हुआ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ का कब हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा आपका 1945। ये सब लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 1945। चलिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कब हुआ है, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कब हुआ है बताइए, कब हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तो वो हो जाएगा आपका 1966, 1966। ठीक है, और शार्क का कब हुआ है, शार्क का, शार्क की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, शार्क की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, आंसर करिए, क्या हो जाएगा 1985। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिम्स्टेक का कब हुआ है, बिम्स्टेक का, बिम्स्टेक का कब हुआ है, बिम्स्टेक का कब हुआ है? तो वो हो जाएगा 1997। कब हुआ है, 1997। वेरी गुड। WHO का कब हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का कब हुआ है? तो वो हो जाएगा आपका 1948। कब हो जाएगा आपका 1948? और आपका आशियान का कब हुआ है, आशियान का, आशियान का बता दीजिए कब हुआ है, आशियान आंसर करिए, आशियान का बता दीजिए, आशियान का फुल फॉर्म भी आपको बताना है, आशियान का फुल फॉर्म भी बताना आपका, 1967। वेरी गुड आयुष, आशियान का फुल फॉर्म बताइए, 1967 एस्टैब्लिशमेंट हुई और फुल फॉर्म आशियान का। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब पूछा जाता है, सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाता है इक्वली। क्या हुआ, अभी तक किसी ने नहीं बताया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वेरी गुड सर्वजीत, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं कर रहे हैं। आपको ये जितने मैंने क्वेश्चन पूछे, यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर जो है कंफर्म है, आपको 1 से 2 नंबर कंफर्म है। जिनको भी याद है उसका 2 नंबर कंफर्म है, मिलना ही मिलना उसको। ठीक है, अब मैं पूछ लेता हूँ इनके हेड, वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है, वर्ल्ड बैंक है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मेरी क्लास में, बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो, आपको पता होना ही चाहिए। डेविड मालपास, वेरी गुड, कौन है, डेविड मालपास, बिल्कुल सही है आपका। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी कौन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी कौन है, संयुक्त राष्ट्र जो है संघ के महासचिव कौन है, तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं, वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। अब मुझे बता दीजिए आईएमएफ के कौन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कौन है बताइए, कौन हो जाए? गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट है। मैंने पूछा आईएमएफ के हेड कौन है, ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे क्रिस्टियाना जॉर्जीवा। कौन हो जाएंगी, तो क्रिस्टियाना जॉर्जीवा, ये ध्यान रखिएगा, क्रिस्टियाना जॉर्जीवा, हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा किसके, तो वो हो जाएंगे आईएमएफ की। अच्छा, किसी ने क्रिस्टियाना लेगार्ड भी लिख दिया, तो वो जाएंगे यूरोपियन यूनियन बैंक की। ठीक है, यूरोपियन यूनियन बैंक के हेड कौन हो जाएंगे, तो वो क्रिस्टियाना लेगार्ड हो जाएगी। ठीक है, WHO के हेड कौन है, WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन है, ये बहुत अच्छा नाम है, पूछा जाएगा आपको, कौन है, टेड्रोस एधेनम, कौन हो जाएंगे, टेड्रोस एधेनम,
बिल्कुल सही है आपका। चलिए मैं मिटा देता हूँ, और भी बहुत सारे हैं जैसे यूनिसेफ के आपके हैं, पूछ सकता है आपको, यूनेस्को के आपके, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट ऑफ द ईयर दिया गया? किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट ऑफ द ईयर कब? हाँ जी, हाँ जी, यूनिसेफ कैन मेनमन हो गया, यूनेस्को के आद्रे अजोले हो गए, बिल्कुल सही। तो कौन हो जाएंगे? तो वो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। कौन हो जाएंगे? अच्छा, मोदी जी के अवार्ड्स बोल दूं? नहीं, वो देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। वहां पे हेड दिखेगा तो आपको हेनरिटा एच4 दिखेंगी, आयुष, और वो दिखेंगे तो आपको वो भी दिखेंगे, एनवेनमन भी दिखेंगे, दोनों ही दिखेंगे। अब देखिएगा उसको, हेनरिटा एच4 पहले भी आपको शो करता था। हाँ, मोदी जी का अवार्ड रिपीट कर दूं? चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ अभी। लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप तो लिख लीजिएगा। कल्याण आ जाइए, और आ जाइए, शहादुर आ जाइए, शेष कुमार आ जाइए, साकेत आ जाइए, मैं लिखवा देता हूँ अभी, लिख लीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। लॉरियस पुरस्कार खेल की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अब ध्यान रखिए, जब मोदी जी पे अवार्ड जो मिले, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री ने क्या क्या अवार्ड दिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएई के साथ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएई के साथ। यूएई ने कौन सा मेडल दिया है? तो जायद मेडल दिया है। कौन सा मेडल दिया है इनको? तो जायद सम्मान दिया है, ठीक है। दूसरा हम स्टार्ट करते हैं साउथ कोरिया के साथ, ठीक है। दूसरा हम स्टार्ट करते हैं साउथ कोरिया के साथ, इन्होंने कौन सा अवार्ड दिया है? तो सियोल पीस प्राइज दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है? तो सियोल शांति पुरस्कार दिया है, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया है? तो सियोल शांति पुरस्कार दिया। ये दो हो गए। तीसरा हम स्टार्ट करते हैं मालदीव के साथ, ठीक है। तीसरा हो गया आपका मालदीव। मालदीव ने इनको कौन सा सम्मान दिया है? तो निशाने इजुद्दीन दिया है। कौन सा दिया है? तो निशाने इजुद्दीन अवार्ड दिया है। ध्यान रखिएगा, निशाने इजुद्दीन अवार्ड किसने दिया है? तो वो दिया है मालदीव ने। निशाने इजुद्दीन अवार्ड किसने दिया है? तो वो दिया है मालदीव ने। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तीन हो गया। चौथा आपको मैंने बता दिया रशिया। रशिया ने कौन सा अवार्ड दिया है? तो इनको दिया है एंड्रू द अपोस्टल। कौन सा अवार्ड दिया है? तो वो दिया है एंड्रू द अपोस्टल। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसने दिया? रशिया ने। बहरीन ने कौन सा अवार्ड दिया? बहरीन कंट्री ने कौन सा अवार्ड दिया इनको? तो किंग ऑफ हमाद। किंग ऑफ हमाद किसने दिया है? तो वो दिया है बहरीन ने, ठीक है। ये हो गया। सऊदी अरबिया लिख लीजिएगा। सऊदी अरबिया ने कौन सा अवार्ड दिया इनको? तो उन्होंने दिया है अब्दुल्ला अजीज। कौन सा अवार्ड दिया इनको? तो अब्दुल्ला अजीज करके किसने अवार्ड दिया है? तो वो दिया है सऊदी अरबिया ने। अब्दुल्ला अजीज किसने दिया है? सऊदी अरबिया ने दिया है। फिलिस्तीन ने कौन सा अवार्ड दिया है? तो फिलिस्तीन ने इनको जो अवार्ड दिया उसका नाम है ग्रैंड कॉलर। कौन सा अवार्ड दिया है? तो वो हो जाएगा आपका ग्रैंड कॉलर। वो किसने दिया है? तो वो फिलिस्तीन ने दिया है, ठीक है। और यूएनओ ने, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा अवार्ड दिया है? तो उन्होंने इनको दिया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड किसको मिला है? तो वो प्रधानमंत्री को मिला है। किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है। इनके साथ साथ इमैनुअल मैक्रोन को भी मिला था, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है। और उसके अलावा जो हो गया आपका अफगानिस्तान ने, अभी मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान ने कौन सा अवार्ड दिया, तो उन्होंने दिया है आमिर अमानुल्लाह खान, ठीक है। आमिर अमानुल्लाह खान किसने दिया है? तो वो दिया है आपका जो है कि इसने अफगानिस्तान ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इनको जो है एक अवार्ड मिला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ठीक है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसने दिया है? तो वो दिया है इनको, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो दिया है वो जो है अमेरिका का एक फाउंडेशन है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। वो ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन है एक, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उन्होंने इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया है स्वच्छ भारत के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका। एक अवार्ड है आपका, इनको मिला था फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। कौन सा? फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ये किसने दिया था? तो ये फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सोसाइटी ने ही दिया था, और ये मार्केटिंग के लिए इनको मिला था। कितने हो गए? 10 या 11 हो गए होंगे, सारे मैंने बता दिए आपको। अभी लिख लीजिए, मैं इसकी अलग से पीडीएफ भी बना के दूं आपको, ये तो लिख सकते हैं आप, मैंने बता दिए 10 से 11, यही मिले आपको, ये मिले सारे बता। देखिए आयुष ने लिख भी दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आयुष ने सारा लिख दिया, तो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आयुष, ठीक है। तो आपने सारे लिख लिया, और ये सारे आपको खुशी ने भी लिख दिया। चलिए, खुशी ने भी लिख दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये भी करा दिया आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, बैंक के सीईओज भी मैं आपको अभी करा दूंगा, डोंट वरी। बैंक के सीईओज जो है ना, उनको भी मैं अभी क्लास में ही आपको वो नोट डाउन करा दूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी की महाराज की जयंती हमने कब मनाई थी, बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हमने कब मनाई थी?
वेरी गुड। 18 फरवरी बिल्कुल सही, 19 फरवरी बिल्कुल सही, 20 फरवरी बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं ये भी सही। अब आपने बताना है कौन सा ज्यादा सही। अच्छा जितेंद्र, दो तीन लोग आपके आईडी से कमेंट कर रहे हैं क्या? मैं देख रहा हूँ दो दो तीन तीन बार आंसर आ रहे हैं। अच्छा, चले। हाँ जी, हाँ जी, अभी तक तो सब सही है। अच्छा, चले अभी तक तो सब सही है। तो छत्रपति शिवाजी शिवाजी महाराज जयंती कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है आपको 19 फेब को, 19 फरवरी को, ठीक है। हाँ जी, पोल और कमेंट दोनों में। अच्छा, पोल और कमेंट दोनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी जयंती कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है 19 फरवरी को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको डेट्स पूछ लेता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि हम कैंसर डे कब मनाते हैं? कैंसर डे हम कब मनाते हैं ये बताइए, कैंसर दिवस हम कब मनाते हैं? 4 फरवरी। हाँ जी, और हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे, जो कि हम कब मनाएंगे? यानी कल, कल है ना 28, कल है ना, आज 27 है ना। हाँ जी, तो कल हम मनाएंगे अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। तो कल आप लोग क्या ऐसा वैज्ञानिक काम करेंगे? नाव बना के पानी में छोड़ेंगे? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक काम कल आप करने वाले हैं? ध्यान रखिएगा, 28 फेब को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम जो है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सीवी रमन जी की याद में, ठीक है। हाँ जी, और उसके अलावा जो है, अच्छा दूध से घी निकालेंगे, चलिए अच्छी बात है। उसके अलावा जो है आप मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट डेज बताइए जनवरी लास्ट मंथ के, क्योंकि वो भी पूछा जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 10 जनवरी। आप गोविंद, 14 सितंबर को, जो लोग लिख रहे हैं 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, नेशनल हिंदी डे मनाते हैं 14 सितंबर को, ठीक है। और 10 जनवरी को हम, ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये पूछा जाएगा, ऐसे डेट्स में पूछ रहा हूँ। 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। नेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं? अभी जो नाम दिया लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, स्वामी उन्मुखानंद कर दिया था उन्होंने, ठीक है, तो उन्हीं के बर्थ पे कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, हम वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? मतदाता दिवस, मतदाता दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 जनवरी। वेरी गुड। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब मनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब मनाते हैं बताइए? 24 जनवरी। 24 जनवरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 24 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ब्रेल डे हम कब मनाते हैं? ब्रेल डे, ब्रेल दिवस हम कब मनाते हैं? ब्रेल डे हम कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम 4 जनवरी को। एक और इंपॉर्टेंट डे मैं पूछूंगा जनवरी से, फिर मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्मी डे हम कब मनाते हैं? आर्मी डे बताइए, सेना दिवस कब मनाते हैं? जनवरी 15। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित परसीमन आयोग का मुख्य प्रमुख नियुक्त जो है किसे नामित किया गया, ठीक है। हु हैज बीन नेम्ड द हेड ऑफ द प्रपोज्ड डेलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है कि किसे नामित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली वहां के विधानसभा चुनाव को कराने के लिए जो है परसीमन आयोग जो है कमीशन, इसको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ डे हम मनाते हैं 1 जनवरी को, स्वाति 1 जनवरी को। इस क्वेश्चन का आंसर सबने कर दिया। हाँ जी, तो बेसिकली जो हमारे चीफ, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है पहले ये बता दीजिए, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? तो वो है हमारे सुनील अरोरा जी। तो सुनील अरोरा जी ने ही जो है कि जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित परिसमन जो आयोग का जो है कि मेन प्रमुख, किसको बना के घोषित किया है, किसको बना के भेजे जाने की घोषित किया, तो वो सुशील चंद्रा को, यानी सुशील चंद्रा जी को बनाया गया है, ठीक है। इनको बनाया किसने? सुनील अरोरा ने बनाया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे सुनील अरोरा जी ने सुशील चंद्रा को जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित परिसमन आयोग का प्रमुख बनाकर भेजा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सुनील अरोरा जी हमारे चीफ इन्फो जो है इलेक्शन कमिश्नर है, ध्यान रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? तो वो है सुशील चंद्रा। उसके अलावा अशोक लवासा और
सुशील चंद्रा जो है वो हमारे कौन है, तो वो हमारे हो जाएंगे चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन। आ जाइए रितेश, आ जाइए। ठीक है, सत्यम सर भी आ गए लगता है, अब बता नहीं। नहीं, वो सत्यम सिंह है, वो सत्यम सर नहीं है। चले, और हाँ सर, एयर इंडिया का एमडीओ चेयरमैन, एयर इंडिया का एमडीओ चेयरमैन बनाया गया राजीव बंसल को। ठीक है, प्रभात, राजीव बंसल किसने पूछा है, त्रिशरण, राजीव बंसल को। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुशील चंद्रा, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के अभी करंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जीसी मुर्मू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेह लद्दाख के कौन है, लेह लद्दाख के कौन हो जाएंगे ये बता दीजिए, आर के माथुर। लेह लद्दाख के कौन हो जाएंगे, आर के माथुर, कौन हो जाएंगे, आर के माथुर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, और आपके गोवा के नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे, गोवा के नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे ये भी बताना है आपको। सत्यपाल मलिक। एक और पूछूंगा, मिजोरम के राज्यपाल बता दीजिए, फिर मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको बताया कि मैं अकेडमी प्लस पे भी पढ़ा था, मैं किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो बस ध्यान से सुनेगा, अगर आपको ठीक लगेगा तभी जो है आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। देखिए, सब्सक्रिप्शन से आप अकेडमी प्लस पे पता है कि 24 घंटे क्लासेस चलती है आपकी, ठीक है। और बस मैं नहीं पढ़ाता, 70+ एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, जो इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स होते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। और पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जितना भी सिलेबस है उसको कवर कराया जाए। देखिए, आपके एग्जामिनेशंस एसएससी के एग्जाम में तो टाइम भी नहीं है, ठीक है, आपका मुझे लगता है 2 हफ्ते का टाइम है, मुझके 2 हफ्ता भी कहा, 1 हफ्ता। एसएससी के एग्जाम्स, बैंक के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, और आपका 2 महीने में आपका जो है, 2 महीने क्या, 1.5 महीने में आपका जो है रेलवे का एग्जाम भी आ जाएगा, यानी लगभग 2 महीने का टाइम आपको रेलवे के भी एग्जामिनेशन है, या कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस के साथ आप जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, सबसे पहले तो कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी में आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप कोड यूज कर सकते हैं Vimdesh14, जो कि मेरा कोड है, जिसके थ्रू आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, प्लस 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है जो आप क्वाइन और जो कोड यूज करते हैं, तो टोटल 20% का ऑफ हो जाता है। अब इसमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिलता है, आपके जितने भी फेवरेट एजुकेटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के हर कैटेगरी में, ठीक है, सारे एजुकेटर्स की वीडियो आप देख सकते हैं, सब कैटेगरी में आपको 70+ एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सबसे जो है कि सबके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, एक इस कोड का यूज करेंगे Vimdesh14, सारे जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं सबकी क्लासेस मिल जाएंगी एक सब्सक्रिप्शन के साथ, यानी वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एसेस, सारा आपका डॉक्टरिंग डेडिकेशन जो है डॉक्टरिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है आपको, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलती है वाईफाई स्टडी की तरफ से भी और अन अकेडमी की तरफ से भी, वाईफाई स्टडी की भी पूरी टीम पढ़ाती है, पूरा सिलेबस कवरेज कराया जाता है। और मान लीजिए, अब जाहिर से बात है कि सारी क्लासेस आप नहीं देख सकते हैं, तो उसमें इनरोल कर लीजिए और उसकी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जब टाइम मिले तब वो कर लीजिए, सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं, जिससे कि आपको नोट्स आपका अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाता है। बहुत सारे एजुकेटर्स आप देखते हैं यहाँ पे पढ़ाते हैं, कोड यूज क्या करना है आपको, Vimdesh14 इस कोड का यूज करके आप 10% का जो है ऑफ, प्लस 10% का ऑफ ऑटोमेटिक आपका वो रिडीम हो जाता है, क्वाइन होता है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे क्वाइंस मिलते हैं वो होता है, तो आपको 20% का ऑफ मिलता है, ठीक है। ये इस कोड को आप किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, किसी भी बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, UP SSSC, वेस्ट बंगाल PSC, सबके लिए। थैंक यू सो मच सागर। क्वेश्चन अब इसके बाद का बता दीजिए मुझे कि हाल ही में प्रकाशित एक डाटा के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली गई है। अच्छा, 3 दिन के वेट में थे, हाँ नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी एक अभी रेगुलर आपकी स्पेशल क्लास चलेगी, आज रात में भी चलेगी, आज रात में 10 बजे भी आपकी स्पेशल क्लास चलेगी जो कि फ्री होगी। चलिए, तो अंग्रेजी बिल्कुल सही, मैंडरिन भी बिल्कुल सही, हिंदी भी बिल्कुल सही, बांग्ला भी बिल्कुल सही, सब बिल्कुल सही। आग लगेगी आज रात 10 को, नहीं ऐसा नहीं है, जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, हमारी लैंग्वेज, हमारी जो प्यारी लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी को ध्यान रखिएगा जो है उसको, जो है कि अभी जो डेटा आया उसके अनुसार थर्ड जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज बनाई गई, उसमें बांग्ला का भी नाम है, बंगाली भी बहुत ज्यादा बोली गई, ध्यान रखिए, पहले नंबर पे इंग्लिश है आपकी, ठीक है, बंगाली भी जो है आपकी बहुत ज्यादा बोली जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए जो है यहाँ पे आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द सॉयल ऑब्जर्व, कहाँ पे सॉयल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व ऑन विच डेज ऑफ द फॉलोइंग डेज, इसमें से किस दिन जो है हम सॉयल ऑब्जर्व डे मनाते हैं,
ये भी बताना है आपको, ये भी बताइएगा। ए बी सी डी कौन सा? आ जाइए शत्रुघ्न जी, दीपक आ जाइए। किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम मनाते हैं किस दिन? तो वो मनाते हैं 19 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, 19 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हम कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 19 फरवरी को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में बांग्लादेश पहले नंबर पे है। अच्छा ठीक है सर, मॉक देने में का मन नहीं करता, एनी सजेशंस देने का मन नहीं करता। क्यों मॉक देने का मन नहीं करता? दिया करिए, कबूल आ जाइए। 19 बिल्कुल सही है, दिया करिए। ठीक है, देना चाहिए। देखिए मॉक टेस्ट आपको क्या होता है ना कि कई सर, देखिए आपको एग्जामिनर क्या करता है कि वो पूरी कोशिश करता है कि आप सारे क्वेश्चंस ना कर पाए। आप 40 में से, मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, 32-35 क्वेश्चंस कर पाएंगे ये आपने पढ़ाया ढंग से तो। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता है जो आप ना कर पाए, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी ना आपको वही क्वेश्चंस आते हैं। अब दिया करिए। अब मैं बताऊं कि अनअकैडमी का जो मॉक टेस्ट है थोड़ा टफ था, मैंने बोला था कि, मैंने बोला भी है कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा टफ हो गया है, तो इस वजह। टाइमिंग देखिए, प्लस में मेरी टाइमिंग जो होती है वो 12 बजे होती है, 5 बजे होती है और 6:30 बजे होती है। ये क्लासेस मेरी तीन चलती रहती है। अभी फिलहाल 12 बजे वाली क्लास चल रही है और 5 बजे वाली क्लास चल रही है, 6:30 बजे वाली खत्म हो गई। ये मेरी प्लस की टाइमिंग है। ठीक है, और स्पेशल क्लास की टाइमिंग, तो स्पेशल क्लास पर डे नहीं होती है तो वो शेड्यूल करनी पड़ती है। तो मेरी कई सारे स्पेशल क्लास जो बची है वो मैं कर रहा हूँ, तो एक तो अभी हो रही है, एक रात को 10 बजे होगी। ठीक है, मैं रेगुलर आपको पढ़ाता हूँ, मैं क्या तो रहा हूँ अनअकैडमी प्लस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, हाँ अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट है वो, आप लोगों के लिए फ्री मॉक भी होता है। ठीक है, तो मैं जिनको भी कहता हूँ, अगर आप, और सिर्फ मेरी क्लासेस नहीं चलती हैं, सबकी क्लासेस चलती हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस चलती हैं, आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेके वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर, अलग अलग कैटेगरी में। ऐसा भी नहीं कि आपको 1 ईयर लेना है, आप 3 मंथ का लेके देख सकते हैं, आप 1 मंथ का लेके देख सकते हैं, आप 6 मंथ का लेके देख सकते हैं, आप 1 ईयर का भी लेके देख सकते हैं। ठीक है, और एक टेस्ट जो है कि एक होता है महीने में, एक मॉक टेस्ट फ्री वालों के लिए भी होता है, नेक्स्ट मंथ में भी हो सकता है, संडे को आए आपको। ठीक है, संडे को आए, जो कि आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप कहाँ एडजस्ट करते हैं ये देखिएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कैब यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उबर के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने उबर के साथ समझौता किया है? हु विच स्टेट पुलिस टाइड अप विद द उबर टू इंश्योर सेफ्टी टू कैब पैसेंजर रिसेंटली? दोनों लैंग्वेज में मैंने बता दिया। विच स्टेट हैज टाइड अप विद द उबर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ कैब पैसेंजर रिसेंटली? राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर मुंबई पुलिस? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, वेरी गुड प्रवेश, प्रवेश पांचाल जी, बिल्कुल सही है। उस आपका जो है कि जो है कि उसको क्या नाम दिया गया एप्लीकेशन का, तो वो दिया गया आपका हिम्मत प्लस। क्या नाम दिया गया? हिम्मत प्लस, ध्यान रखिएगा। जो कि किसने किया है? तो वो किया है दिल्ली सरकार ने। किसने किया है? तो वो किया है दिल्ली सरकार ने। कौन है दिल्ली के सीएम? ये तो सबको पता होगा, कौन है दिल्ली के सीएम? केजरीवाल जी, वेरी गुड। कितनी विधानसभा सीट थी वहां पे? कितनी विधानसभा सीट थी वहां पे? 70, वेरी गुड, 70 थी। हाँ जी, हाँ जी। और वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे कौन है? कौन है? अनिल बैजल। कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके अनिल बैजल। कौन हो जाएंगे? तो अनिल बैजल हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सही आपका, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, टोटल हमारे कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? टोटल हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी आंसर करिए। 6, अभय ने कहा है 6। अच्छा, आप 6 ही बता दीजिए। साक्षी ने कहा है 9, साक्षी ने, शशि ने कहा है, शशि रेखा ने कहा है 9, कबूल ने कहा है 9, आपको 9 बताने होंगे, प्रभात को 6 बताने हैं, आशीष आप, अच्छा राज्य बता दिया मैंने। हाँ जी, जिन्होंने बताए भैया 6 वो बताए, जिन्होंने 9 बोले वो भी बताए। देखिए मैं आपको बता दूं कि अब हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8 हो गई है, ध्यान रखिए। कितनी हो गई? 8 हो गई। 26 जनवरी को, इस 26 जनवरी को ठीक है, दमन दीव और नागर हवेली इनको मिला दिया गया। कितनी हो गई? 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई। और कितने हमारे जो है कि ये हो गए स्टेट्स हो गए, हमारे स्टेट्स की संख्या कितनी हो गई?
राज्यों की। अच्छा आपने लिख दिया तो, नहीं तो अगर आपने 6 लिखा है तो वो गलत है, 8 है ना, 6 तो गलत है ना। मोहम्मद शहादुर रहमान जी, अभी क्या हो गया आपका, 28 हो गया है अभी आपका, जो है पहले जो है कि स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर हमारा, अब वो क्या हो गया केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो हमारी 28 हो गई है स्टेट्स, ठीक है। पहले 29वां राष्ट्र आपका जो स्टेट हुआ करता था वो तेलंगाना हुआ करता था, अभी 28 स्टेट हो गया तो 28वां तेलंगाना मान लिया मैंने, कह दिया। तो बताइए कि तेलंगाना का जो है कि वो कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तेलंगाना राज्य जो है वो कब बना था, ये बताने क्योंकि पूछा जाता है आपको, पूरा बताना है आपको, मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। तो कब, 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014। अच्छा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चले, हाल ही में भारत का पहला सिंगल यूजेस, ठीक है, प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना है, कौन सा एयरपोर्ट जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जो बना, प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बनाया गया, आईजीआई हवाई अड्डा, वीर सावरकर हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं टॉप एजुकेटर, ये न्यूज में था तो पूछ, बताइए फिर, सारा स्टेट नहीं पूछा जाएगा स्वाति, कोई मतलब नहीं है, मैं पढ़ा तो दूंगा आपको, आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन सारे स्टेट का अगर आप वो पढ़ते हो कि वो कब हुआ था तो ये आएगा ही नहीं आपको। चले तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 जून, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे, आईजीआई दिल्ली, वेरी गुड। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे है, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां पे है बताइए, ये लोग कमेंट इतना कैसे कर लेते हैं, ये लोग जो है आपके रेगुलर पढ़ते हैं, ये प्लस वाले बच्चे हैं और ये मेहनत करते हैं और ये इनकी मेहनत का असर है, इनको अलग से मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया है कि इंजेक्शन लगा दिया कि नहीं आओ, या फिर इनको मैंने आंसर भी पहले नहीं दे रखा है कि नहीं आओ मैं यही यही पूछूंगा, ठीक है। ये लोग पढ़ते हैं रेगुलर आपके, और सिर्फ मेरी नहीं सबकी क्लासेस देखते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे है आपका, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, ये ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे है, वाराणसी में। डेबली में एयरपोर्ट कहाँ पे है, डेबली में एयरपोर्ट कहाँ पे है। इंजेक्शन से डर लगता है, वाराणसी से नहीं, हाँ चले, गोवा में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आपका जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ पे है, देहरादून यूके, वेरी गुड। चौधरी चरण सिंह जी एयरपोर्ट कहाँ पे है, चौधरी चरण सिंह कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया लेकिन कोई बात नहीं। द कलाकुंभ एग्जीबिशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा कलाकुंभ प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए कहाँ किया गया है, कलाकुंभ जो है कि एग्जीबिशन का ये जो है कि आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली, सूरत, लखनऊ, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए कहाँ किया गया कलाकुंभ जो है कपड़ा मंत्रालय द्वारा कलाकुंभ प्रदर्शनी का आयोजन, बताइए। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा आपका, नई दिल्ली। अब मुझे बता दीजिए हमारे करंट में कपड़ा मंत्री कौन है, करंट में कपड़ा मंत्री कौन है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास है, तो वो हो जाएंगे स्मृति ईरानी, कौन हो जाएंगे, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी जी के पास एक और मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय, स्मृति ईरानी जी के पास एक और मंत्रालय, वो कौन सा मंत्रालय बताइए, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हाँ जी वेरी गुड। कहां से सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने किसको हराया था, अमेठी, हाँ जी इन्होंने राहुल गांधी को हराया था, हाँ जी हाँ जी इन्होंने राहुल गांधी को हराया था, और अमेठी की, हाँ, अमेठी से सांसद है, एमपी है, हाँ जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन मुझे और बता दीजिए, हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है हमारी वो किसके पास है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है हमारी वो किसके पास है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय,
हरदीपपुरी जी के पास है, वेरी गुड। एक और बता दीजिए, कोल मिनिस्ट्री किसके पास है, कोयला मंत्री हमारे कौन है? सारी मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, रेगुलर रहेंगे मैं सब याद दिला दूंगा, ठीक है? लेकिन वैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं सब याद दिला दूंगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है, हाल ही में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर कौन सा देश विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल गया है? बताइए कौन सा देश, आंसर करना है आपको, इजी क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा, भारत, बिल्कुल सही है, कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। हाँ जी, अपना प्यारा भारत, सबका प्यारा भारत, सही बात है। ब्रिटेन के पीएम कौन है, करंट में ब्रिटेन के पीएम कौन है बताइए? और ये है कुछ आप लोगों की पोलिंग, कहाँ से लाएंगे सर आप, अगर क्या आपने लिखा, आपने अगर कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से हो जाएगी। ये देखिए आप लोग अपना भी रैंकिंग बता सकते हैं, ये कुछ रैंकिंग आप लोगों को दिख रही होगी। चलिए मैं हटाता हूँ रैंकिंग और पूछता हूँ, ब्रिटेन के पीएम हमारे कौन है? तो वो हो जाएंगे बोरिस जॉनसन। कौन हो जाएंगे, नहीं दिव्या बफरिंग तो नहीं होना चाहिए, बोरिस जॉनसन हो जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जर्मनी की वाइस चांसलर कौन है, जर्मनी की वाइस चांसलर कौन है बताइए? एंजेला मार्केल, वेरी गुड। टर्की के राष्ट्रपति कौन है, टर्की के राष्ट्रपति कौन है, कौन बताएगा? बताया था मैंने, हाँ जी अमृत थोड़ा पहुंचे आप, तैयब इर्दुगान, ध्यान रखिएगा तैयब इर्दुगान हो जाएंगे, ठीक है? किसके, टर्की के, टर्की के कैप्टन क्या, अच्छा तैयब एर्दोगान, मैं लिख देता हूँ। अंकारा, वेरी गुड। हाल ही में किस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है बताइए? रिसेंटली जो है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर द लेट मनोहर पर्रिकर साहब, मनोहर पर्रिकर जी। जितेंद्र, कितने लोग यूज कर रहे हैं यार आपके आईडी, देख रहे हैं चार चार लोग आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम दो लोग यूज कर सकते हैं, देखिए कहीं दिक्कत ना हो जाए आपको, ऐसा ना हो ब्लॉक हो जाए। रक्षा और अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, डिफेंस स्टडीज जो है आपका, उसका नाम जो है बदल करके क्या किया गया है, मनोहर पर्रिकर, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा मनोहर पर्रिकर साहब जो कि गोवा के पूर्व सीएम भी हुआ करते थे, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया उनको बताइए इस बार? तो कौन सा दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका पद्म भूषण, ध्यान रखिएगा पद्म भूषण, सेकेंड कैटेगरी वाला किसको दिया गया है, तो पद्म भूषण। प्लस पे होगी क्लास 5 बजे, हाँ जी 5 बजे क्लास होगी, 5 to 6, ठीक है 5 बजे आई थिंक क्लास है आपकी। ठीक है, हाँ जी 5 बजे आपकी मेडिवल हिस्ट्री की क्लास मुझे दिख रही है, मेडिवल हिस्ट्री सेकंड जो कि मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को, सरकार को अवैध रेत खनन रोकने के लिए निर्देश जारी किया है, किसको जारी किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू स्टॉप द टू इमिडिएटली स्टॉप द इलीगल सैंड माइनिंग? बताइए कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा अपना राजस्थान, हाँ ध्यान रखिए। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हो जाएंगे, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो कलराज मिश्र,
हाँ जी, और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, राजस्थान ये है पोलिंग, आप सबों को पोलिंग दिख गई होगी। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जिनको भी, ठीक है, जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो जल्दी से इस कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 month, 3 month, 6 month या 1 year, किसी भी कैटेगरी में, बैंक हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, UPSC हो गया, किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। ये है मेरा कोड memory14, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अब मैं मिलूंगा आप लोगों को रात 10 बजे, एक और स्पेशल क्लास है तो रात 10 बजे आएगा, रात को 10 बजे एक और स्पेशल क्लास है, हम लोग रात 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी खुशी, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, सेशन को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, और लास्ट में आपको फीडबैक का भी ऑप्शन मिलेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूंगा मैं रात को 10 बजे फ्री क्लास के साथ, और इस प्लस क्लास के साथ मैं मिलूंगा आपको 5 बजे, आधे घंटे बाद, प्लस वाले बच्चों को मैं 5 बजे मिलूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।